रात के 8 बज चुके हैं। सब लोग अपने घरों से खाना खा के एक बार फिर से वापस आंगन में आ गए हैं प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए। तो अभी इसके बाद भी बहुत सारा प्रोग्राम है बचा हुआ। तो आज दिवाली का लास्ट डे है और लास्ट नाइट है, तो आज सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइटिंग कम होने की वजह से जो मेरी वीडियो है वो भी ठीक से नहीं बन रही। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बनाने की लेकिन बन नहीं पा रही है। फिर भी मैं अपना ट्राई अच्छा कर रही हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी बन जाए। और ठंड भी काफ़ी हो चुकी है क्योंकि रात भी हो चुकी है। तो जो मेरे ससुर जी है, मामा जी, वो कभी नहीं नाचते फंक्शन में, लेकिन आज वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और सारे लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं नाच नहीं सकती। तो मैं एक साइड बैठ के ये देख रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे इंजॉय कर रहा है। तो मुझे तो नींद भी आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं सोने चले जाऊँ क्योंकि बैठे बैठे तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो देखते हैं अभी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, सोने जाऊँगी या फंक्शन देखूँगी। अगर मैं फंक्शन देखूँगी तो आप लोगों को भी आगे का जो प्रोग्राम है वो दिखाऊँगी, अगर नहीं खुद नहीं देखा तो आपको भी कैसे दिखाऊँगी मैं। जब हम खाना खाने घर गए थे तो मैंने अपने मामा जी से पूछा था कि आप तो कभी नहीं नाचते, इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप इतना नाच रहे हो, और दिन में भी आप अकेले अकेले नाच रहे थे। तो मामा जी बोल रहे इस बार ही मेरा मन कर रहा है कि मैं खूब इंजॉय करूं क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी बीमारी लग जाए, बिस्तर में बैठ जाए, तो इस वजह से मेरा मन कर रहा है कि मैं खूब इंजॉय करूँ। रात के 11 बज चुके हैं और मैं अपने रूम पे सोने के लिए आ गई हूँ। पहले हम दिन में प्रोग्राम देखने गए थे, फिर हम वहाँ से आए थे, मतलब घर का काम सारा निपटाया, फिर गए थे आंगन को, फिर आंगन का जो प्रोग्राम था वो देख के फिर हम 8 बजे रूम पे आए, खाना खाया, फिर घर के बर्तन बुर्तन धोए, झाड़ू पोछा करा, फिर उसके बाद आंगन चले गए और फिर उसके बाद वही आंगन में नाच गाना हो रहा था। लेकिन मैं ही अभी अपने परिवार में सोने के लिए आई हूँ, बाकी सारे लोग आंगन में है। अपने परिवार में नहीं, मतलब कि मैं गांव की बात भी करूँ तो मैं ही सोने के लिए आई होगी शायद से, बाकी सारे लोग अभी आंगन में, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी और नींद भी लग रही है। और अभी तो बहुत सा प्रोग्राम है आंगन का बचा हुआ, पता नहीं क्या क्या है अभी। बाकी सब लोग आंगन में प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं सोने के लिए आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो जो खाना खाने से पहले का प्रोग्राम है वो भी मैंने कुछ शूट करा है क्योंकि वहाँ पे एक तो लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं थी और वो वीडियो भी बिल्कुल थोड़ी ऐसी बनी है, मतलब कि अंधेरे में। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो अच्छे से बन जाए। और जो अभी का प्रोग्राम है वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं, तो कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो आज के दिन के साथ और इस साल की दिवाली भी ख़त्म हो गई है और दिन भी ख़त्म हो गया है, साथ ही साथ में ये साल भी ख़त्म होने वाला है, कुछ ही दिनों में, 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो ब्लॉग है इसे भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलेंगे नए दिन के नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। बाय बाय।